बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। इस वक्त हमारे पास है शाम का टाइम, 3:46 हुए हैं, 3:46। आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे स्टॉक पे टाइम भी लिखा हुआ है। और मैं इस वक्त बना रही हूँ चाय। बच्चों का लंच रेडी है बिल्कुल। बॉयल्ड राइस बनाया है मैंने आज, और क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर बनाई है मैंने दाल। ये दाल जो है ना, ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। वो इसलिए कि मैंने जो चिकन रोस्ट किया था ना, उसका जो यखनी जो एंड में पानी बच जाता है ना मसाले वाला, तो उसको मैंने सेव कर लिया था, तो वो मैंने दाल में डाल दिया है, जिससे दाल का टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का बना है। तो बच्चे करते हैं लंच, मेरा अभी लंच का मूड नहीं है, मैंने बहुत लेट ब्रेकफास्ट किया था। बस अभी इस वक्त सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं चाय बना कर पी लेती हूँ। इतनी देर में चाय बॉयल होती है, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। और यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने लैपटॉप रखा था चार्ज करने के लिए, ये चार्ज हो भी रहा है कि नहीं? आई थिंक हो गया, इसकी लाइट ऑफ हो गई है। चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ। आज जो है ट्यूसडे है, और शाम में मेरी क्लास होती है 7 बजे, तो ये लेनी है। और जनाब यहाँ पर ये बुक्स हैं, एहसन और रमीज़ा की ऑनलाइन क्लास होती है। हमने स्कूल इस दफ़ा जो है हाइब्रिड क्लासेस नहीं लिए हैं, घर पे ही पढ़ते हैं, तो बस ये बुक्स पिक करनी थी स्कूल से। मैसेज आया था कि आकर ले जाएं, तो बस वो पिक की थी। और तो यहाँ पर ये एहसन के टॉयज, ये तो आजकल इसका फेवरेट टॉय है, जब से इसने अर्थरूल देखा है ना, उसके बाद से ये इसका फेवरेट बन गया। ये इसके साथ फाइट करता रहता है। और अभी क्या कर रहे हैं ये देखें, मेरी चाय अभी गिरने वाली थी, बच गई, शुक्र है टाइम पे आ गई हूँ। चाय ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, बस 1 से 2 और उबाल आ जाए इसमें, तो बस। चाय के साथ मैं क्या खाने लगी हूँ, चाय के साथ मैं खाने लगी हूँ ये रस केक। ये उठाते हैं यहाँ से। अच्छा, आटा भी अभी मैंने गूंदना है। देखिए यम्मी से रस केक, ये चाय के साथ खाती हूँ मैं अभी। और मैं अभी क्या करने लगी हूँ, ये हैं जी रमीज़ा की चॉपस्टिक्स। रात में उन्होंने डिनर में नूडल्स खाए थे, तो घर में सिर्फ रमीज़ा ही चॉपस्टिक यूज़ करती है, और कोई नहीं करता। देखिए ये है मेरा आटा गूंदने वाला बर्तन, इसमें मैंने आटा डालना है। लेकिन आटा जो है ना, वो मैं शाम में ही गूँधूँगी, रात में लेट, क्योंकि आज जो है वो राइस खाएँगे, इस वजह से अभी मुझे फिक्र नहीं है कि आटा गूंदना है। ये है जी पेपर टॉवल जो लाए थे उस दिन ग्रोसरी करने गए थे ना बाहर, तो ये हमारी जो क्लॉज़ेट है ना, इसमें इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं। आज मैं आपको इस क्लॉज़ेट की थोड़ी सी विजिट कराती हूँ। यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, यहाँ बच्चों के सीरियल रखे हुए, एक्स्ट्रा सामान जो हम लाते हैं ना ग्रोसरी से, तो वो रखा होता है। लाइक ये पेपर टॉवल्स हैं, अभी ये यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा एक स्टॉक हम रखते हैं, क्योंकि कोरोना जब मार्च में यहाँ पे आया था ना, उस टाइम पे ये चीज़ें जो है ना मिलना ख़त्म हो गई थी, और ये तो घर की ज़रूरत की चीज़ है, ये ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस ये बाथरूम रोल्स हैं, टिशू रोल्स हैं, और ये डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं यहाँ पर, चीरियोस, और ये रमीज़ा का है। तो बस इस तरह की चीज़ें हमने रखी हुई, ये एक्स्ट्रा ला के रखे हुए हैं ताकि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो बस ये ट्रे, बेकिंग ट्रेज हैं यहाँ पर, डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह, इस तरह की चीज़ें इस क्लॉज़ेट में रहती हैं। इसको कर देते हैं बंद। चाय बन गई है मज़ेदार सी, और इसके साथ मैं खाने लगी हूँ रस केक। तो हाथ धो कर आई हूँ, अभी इसको ड्राई कर लूँ। तो ये है चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा व्लॉग आज का। आज के दिन कुछ खास इतना नहीं किया है, बस सारा दिन जो है ऐसे ही लेज़ी लेज़ी गुजर गया हमारा। बस बच्चे सारा दिन पढ़ते रहे, और एक्चुअली अल्बनी गए थे, वहाँ से आए तो फिर थके हुए थे, और उसके बाद फिर कुछ इतना खास मूड नहीं हुआ, थकावट थी बस, लेट उठे, और उसके बाद वेदर भी आज कुछ इतना अच्छा नहीं था मज़े का, तो सारा दिन बस लेज़ी लेज़ी सा ही रहा हमारा। अभी चाय पीते हैं, और फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ कुकिंग करते हुए, किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नई बात के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।